हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज हम बनाएंगे मलाई लड्डू या फिर कलाकंद लड्डू सिर्फ दूध से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1.5 लीटर दूध। इसे हम बॉईल के लिए चढ़ा देंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए तो स्टोव ऑफ करके हम 2 टेबल स्पून पानी और 2 टेबल स्पून विनीगर ऐड करके दूध को अच्छे से पनीर में कन्वर्ट कर लेंगे हल्के हाथों से इस तरीके से। अगर आप चाहे तो आप इसमें नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं पनीर बनाने के लिए। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पनीर ज़्यादा सख्त या फिर हार्ड ना हो। देखिए ये अच्छे से हमारा पनीर तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और साफ़ पानी से इसे वॉश कर लेंगे 1 से 2 बार। तो दूसरी तरफ हम एक और पैन लेंगे और इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए। फिर हम थोड़े से सैफ्रॉन्स लेंगे और उसमें बॉईल किया हुआ दूध ऐड कर देंगे, रख देंगे एक साइड में थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे हमने जो 1 लीटर दूध लिया है उसे हम अच्छे से एवोपरेट होने के लिए चढ़ा देंगे। बेसिकली हमें इसकी मलाईदार रबड़ी तैयार करनी है। देखिए जैसे भी इसमें मलाई आ रही है मैं उसे निकाल के फिर से उसी दूध में ऐड करती जा रही हूँ। फिर से मलाई आएगी, फिर से मैं उसे इसी दूध में ऐड करती जाऊंगी। दूसरी तरफ हमने जो पनीर बना के तैयार किया है हम उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से इसे स्मूथ तैयार करना है हमें। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथों की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पनीर अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो देखते हैं हमारी जो रबड़ी है यह बनकर तैयार हुई है या नहीं। देखिए हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। इसमें मुझे ऑलमोस्ट लगा 1 आवर, आई थिंक 45 मिनट्स to 1 आवर लगेगा आपको इसे एवोपरेट करके इसे मलाईदार रबड़ी तैयार करने के लिए। देख कितनी अच्छी लच्छेदार हमारी रबड़ी तैयार हुई है। अब हम इसमें जो हमने मैश कर पनीर रखा है उसे हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करेंगे। देखिए इस तरह से हमें रबड़ी और पनीर को अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करना है। साथ ही साथ 1 कप चीनी ऐड करनी है और उसे भी इन दो चीज़ों के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से कुक करेंगे। साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच इलायची का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से इस तरीके से हमें साइड से जो मलाई या फिर रबड़ी लगी हुई होगी उसे स्क्रैच करते जाएंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बस इसी स्टेज पे हम स्टोव ऑफ कर लेंगे, इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। तभी आपकी जो ये लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इस तरह से इसे मेजर करते हुए हम इसे रोल करके इसके लड्डूज बनाएंगे। अगर आपको इससे लड्डूज नहीं तैयार करने, इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो आप इसे किसी भी एक टिन या फिर एक बॉल में सेट करके इसकी जो कलाकंद बर्फी होती है उसे सेट करके एंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने जहाँ यहाँ पे केसर को भिगो के रखा है उसे इस पर हल्के हाथों से ड्रिजल करूँगी। साथ ही साथ पिस्ताशियो रोज़ पेटल्स के साथ इसे डेकोरेट करूँगी और सर्व करूँगी।